नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अक्टूबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सड़कों पर पिछले एक साल से किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने को लेकर एक बार फिर आज गुरुवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सड़कों को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सड़कों को विरोध करने वाले किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने जाम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य किसान संघों को सड़कों से विरोध करने वाले किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। लंबे समय से दिल्ली सीमा के पास सड़कों पर किसानों का डेरा जमा हुआ है, इससे इन सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित है। मामले पर 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के SOD से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कल शुक्रवार को पूछताछ करेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को ईमेल से नोटिस भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 7 महीने में केस दर्ज होने के बाद गहलोत की SOD पहली बार पूछताछ के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर इसी साल 25 मार्च को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में CM के OSD लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। हालांकि क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर सकेगी। राजस्थान में रिश्वतखोर अफसरों व कर्मचारियों को पकड़ना आसान होगा। राज्य सरकार के फैसले के बाद ट्रैप में खर्च होने वाली रकम को ACB शिकायतकर्ता को वापस लौटा देगी। इस संबंध में गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ACB को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड के नाम से 1 करोड़ रुपए बजट वाले एक फंड का गठन करने की स्वीकृति दी गई है। इस फंड का अधिकतम बजट 3 करोड़ रुपए होगा। परिवादी व्यक्ति को ट्रैप कार्रवाई में दी जाने वाली रिश्वत की रकम को इसी कोष से लौटाकर भरपाई की जाएगी। अब तक ट्रैप कार्रवाई के बाद रिश्वत की रकम कोर्ट की संपत्ति होने की वजह से कोर्ट में ही जमा करवा दी जाती थी। इस वजह से मामला कोर्ट में विचाराधीन रहने की वजह से कई महीनों सालों तक वह रकम शिकायतकर्ता को नहीं मिल पाती थी। राज्य में अगस्त से अक्टूबर के बीच हुए टीचर्स सहित कर्मचारियों के ट्रांसफर का शिक्षा विभाग ने लेखा जोखा तैयार करने का निर्णय किया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया है कि उन्होंने अगस्त से अक्टूबर के बीच किस किस टीचर व क्रामिक का ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग की है, उसकी रिपोर्ट दें। इस दौरान नियम विरुद्ध और बिना स्वीकृति के ट्रांसफर किए गए हैं तो कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक फॉर्मेट भेजकर रिपोर्ट मांगी है। किस किस क्रामिक का ट्रांसफर किया गया है उसका नाम व पदस्थापन स्थल बताना होगा। ये भी बताना होगा कि तबादले के लिए स्थानांतरण आदेश क्रमांक क्या थे और किस दिन आदेश हुए। अगर टीचर या कर्मचारी के ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद उसे संशोधित किया गया है तो उसकी भी रिपोर्ट देनी होगी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को आज गुरुवार को अजमेर की सेंट्रल जेल की महिला बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। अनुराधा को कोर्ट ने पहले डिडवाना जेल भेजा था, लेकिन जेलर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए असहमति जता दी। इसके बाद जयपुर जेल IG विक्रम सिंह से बात कर अजमेर सेंट्रल जेल भेजने के आदेश जारी करवाएगी। गौरतलब है कि लेडी डॉन अनुराधा इंदरचंद अपहरण मामले में फरार चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे परबतसर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच डिडवाना कोर्ट लेकर आई। इस दौरान उसे काफी देर तक पुलिस सुरक्षा में गाड़ी में ही बिठाए रखा। पेशी का समय आने पर सुरक्षा के साथ उसे कोर्ट में ले जाया गया। पेशी के बाद उसे डिडवाना जेल भेजने के आदेश दिए, लेकिन डिडवाना डिप्टी जेलर जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा का हवाला देते हुए असहमति जता दी। ऐसे में उसे अजमेर लाया गया। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में संपत्ति बंटवारे को लेकर एक परिवार के सदस्यों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के चलते एक व्यक्ति ने पिस्टल से फायर कर दिया तथा जरूरी कागजातों को जला दिया। पुलिस ने बताया कि रावला निवासी मेजर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि गुरमीत सिंह ने अपने साथी नूर बानो तथा 2-3 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर घर में घुस आए और जमीन के कागजात जला दिए तथा देसी पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस झगड़े में मेजर सिंह नामक व्यक्ति घायल हो गया। उसके बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
हनुमानगढ़ जिले के महिला थाना में एक युवती ने दो जनों के खिलाफ पिस्टल दिखाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय एक युवती ने बताया कि वह गत दिनों अपने घर में बैठी थी, उसी दौरान मंगल और अक्रम नामक युवक उसके घर में घुस आए और पिस्टल दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, आरोपित दोनों फरार हो गए हैं, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए छापेमारी की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने मकान और दुकान पर सेंध लगाते हुए लाखों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास स्थित स्टाइल कलर लैब से चोर 6 मिनट में 40,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। इसी तरह सादुलशेर थाना क्षेत्र में नियुक्त कांस्टेबल अशोक कुमार के वार्ड नंबर 1 में स्थित मकान से चोर ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी के अलावा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। इसी तरह मटीली राठान थाना क्षेत्र के दोषी में अज्ञात चोर एक मकान से 2.5 लाख रुपए और 2 तोला जेवरात के अलावा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गया। पुलिस ने तीनों मामलों की जांच शुरू कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र के मच्छीपुरा के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। शाहरुख खान के घर एनसीबी ने अधिकारी पहुंचे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीबी मन्नत जाकर तलाशी लेगी। अब एनसीबी की टीम शाहरुख के घर पहुंच गई है और घर की तलाशी लेने पहुंची है। मन्नत में एनसीबी की टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शाहरुख खान के साथ साथ अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची है। आर्यन खान की चैट से अनन्या के तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अनन्या को एनसीबी के अधिकारियों ने समन किया है और पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। बता दें कि आज ही शाहरुख बेटे आर्यन खान के आर्थर रोड जेल में मिलकर गए हैं। सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी के खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। ऐसे में एनसीबी इस याचिका के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।